फिर इसका तो मैं ये वो आईटी वाले को बुलाएं फिर किसी को कि खिलाइए, मैंने उससे तो नहीं हुआ, या चले आप खिला के देखें। शायद कंप्यूटर के पीछे जो है वो इसको डब्बे वाले को तो मैंने हिलाया। पैर रख के बैठूं तो आता है इसको मैं सेट चले ये हमने कर लिया था ना, ये कर लिया था, ये करना है फिर भी साथ। किसी और पोर्ट में लगा दे। मोबाइल पे ओपन कर लो, मोबाइल पे ओपन कर। अच्छा चलिए यार स्टार्ट करें हम लोग आज। तो एक तो अच्छी बात यह है कि आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट्स द गुड पार्ट। बुरी बात यह है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए आप लोग फेल हो जाएंगे। तीसरी बुरी बात यह है कि फिर अगले सेमेस्टर आप डीएलडी पढ़ रहे होंगे। नहीं अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा बोलते हैं तो आप सबके ए आ जाएंगे इंशाल्लाह, बगैर पढ़े बगैर कुछ किए बगैर किए बस सबको ए मिलेगा और सब यशी के साथ। हाँ बिल्कुल, तो ये अच्छी बात ये है। तो हमारा आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो भी नेक्स्ट वीक आ जाएं, ताकि जो है वो फेस टू फेस ही हम लोग जो भी सवाल हैं वो कर सकें। ऑनलाइन में मसला हो जाता है। ये 6th है या 7th है? हाँ 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर है बिल्कुल, ये इंक्लूडेड है आपके कोर्स में। अच्छा क्या, हाँ शुरू करें फिर चले। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है। जिनको याद नहीं है तो मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये वाली फिगर हमने की थी और इसमें हमने कहा था कि हमारे पास ये रैम है 4x3 की रैम है, यानी कि इसकी 4 रोज हैं ये जो आपको नजर आ रही हैं, और हर रो के अंदर 3 सेल्स हैं, यानी कि 3 बिट्स एक रो में स्टोर हैं। तो हम एक टाइम पे एक रो सेलेक्ट करते हैं और उसकी जो 3 बिट्स होती हैं उनको हम यहाँ डेटा आउटपुट से रीड आउट कर लेते हैं। और हमने कहा था कि ये जो 4 रोज हैं इसके लिए हम एक 2x4 डिकोडर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस देते हैं मेमोरी का 00 00 00 देते हैं, तो वर्ड 0 एक्टिव हो जाता है। जब वर्ड 0 एक्टिव होता है तो ये पूरी लाइन एक्टिव हो जाती है, ये 3 सेल्स हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं और इनका जो डेटा है वो इस और गेट के थ्रू आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने राइट करवाना हो तो हम यहाँ पे डेटा देते हैं और वो डेटा फिर इस रो में ही राइट होता है क्योंकि सिर्फ ये रो सिलेक्ट हुई होती है। तो एड्रेस आपने हर सूरत में देना होता है, चाहे आपने रीड करवाना हो चाहे आपने राइट करवाना हो। सो दिस वाज 4x3 रैम। अब हम लोग ये देखते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एक चिप है। नॉर्मली जब हम लोग मेमोरी जो है बनाते हैं ना तो उसको बहुत सारी चिप से कंबाइन करके बनाया जाता है, एक चिप नहीं होती। सो वी एड मल्टीपल चिप्स, जैसे से आपने ये देखे होंगे जो डिम मॉड्यूल्स होते हैं आपके, जो आप खरीदते हैं
तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चिप्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो वो मिल के एक बड़ी मेमोरी बनता है। तो फॉर एग्जांपल एक जो चिप है, एक सिंगल चिप, उसकी यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा कि ये है 1K/8-bit रैम, 1K/8-bit। सो 1K/8-bit का क्या मतलब है कि इसके इकट्ठे हम एक वक्त में 8 बिट्स जो हैं उनको रीड करेंगे या राइट करेंगे, यानी कि ये एक बाइट हमारी रीड या राइट होगी किसी एक गिवन टाइम के ऊपर। और उसके बाद इसके अंदर रोज कितनी होंगी, इसके अंदर रोज होंगी 1K, यानी 1024। ओके, सो इफ वी लुक एट दिस चिप, इट हैज 8 डेटा आउटपुट लाइंस जो कि ऑब्वियसली 8 बिट्स एट द टाइम है, इनपुट डेटा भी 8 बिट्स एट अ टाइम है, एड्रेस लाइंस इसकी हैं 10 बिट्स की एड्रेस लाइन है। कोई स्टूडेंट बता सकता है ये 10 क्यों है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, साइज के हिसाब से एड्रेस लाइंस है, एड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं सर। थोड़ा नेट कनेक्शन का मसला हो गया था, मेरी अटेंडेंस लगा दें प्लीज, मार्क माय अटेंडेंस। अच्छा, रोल नंबर 80, अब मैं आपकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने 2 दफा मुझे मैसेज किया है जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर चुका हुआ। इसका मतलब है कि आपको कोई कंसर्न नहीं है कि टीचर इस वक्त पढ़ा रहे हैं, मैं उसको डिस्टर्ब करूं या ना करूं। नंबर 2 बात की कि आप 80 रोल नंबर हैं, आपको वैसे भी ऑन कैंपस होना चाहिए, ऑनलाइन तो होने नहीं चाहिए, तो जो चलो ऑनलाइन थे और टाइम पे थे उनकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। एक, आप लेट हैं, दूसरे, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं मैसेज कर करके, तीसरे, आप कैंपस के ऊपर नहीं है। तो अब इसके बाद मैं सिर्फ आपको ब्लॉक करूंगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, एड्रेस लाइन्स हमारी 10 क्यों है सर? वो पैरिटी का मसला होगा, कोई वो एड्रेस पैरिटी में नहीं जाता, इवन बिट पैरिटी। पैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, डेटा का एड्रेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, ये किसी और का, ये तो वो कह रहे हैं आप प्लॉट खरीद लें भागलपुर में। अच्छा, नहीं, ओके, सो लुक एट दिस, इसमें ये जो 3 बिट्स हैं, इनका इन 2 बिट्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। ये 2 बिट्स क्यों बनी हैं? 2 किस चीज पे ये डिपेंड कर रही थी? ये इसकी रोज पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि 4 रोज थी इसलिए 2 बिट्स थी। हाँ, ये 10 क्यों है? बिकॉज 2 रेज टू पावर 10 is equal to 1024. Why 1024? Because it is 1K. ठीक, so ये इसकी address lines हैं जो एक decoder में जाएंगी, decoder को 10 bits मिलेंगी, decoder की आगे 1024 outputs होंगी और उनमें से हर address के ऊपर एक output, एक row select होगी और वो row जो है वो data आपको देगी। तो ये इसकी एड्रेस लाइंस हो गई, ये इसकी चिप सिलेक्ट है। चिप सिलेक्ट का क्या मतलब है कि जब आप इसको 1 करेंगे तब ये चिप एक्टिव होगी, अगर ये 0 होगा तो आप इस पे एड्रेस देते रहें, डेटा देते रहें, इसने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सो इस चिप सिलेक्ट इज लाइक एन ऑन ऑफ स्विच। और साथ इसका एक इनपुट है रीड और राइट का, सो ये एक ही इनपुट है, जब आप इसको 1 देंगे तो ये रीड करेगा, 0 देंगे तो ये राइट करेगा। राइट के ऊपर एक्चुअली एक बार होनी चाहिए, वो नहीं है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1K/8 की जो रैम चिप है, ये उसका डायग्राम है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई अब तो कंफ्यूजन नहीं है एड्रेस बिट्स कितनी हैं, क्यों हैं? जी हाँ बिल्कुल, अगर 32 बिट कंप्यूटर है तो इसका मतलब है कि रैम जो है वो जब आप एक एड्रेस देते हैं तो 32 बिट्स आपको आउटपुट के ऊपर देती है, 64 में वो 64 बिट्स एक वक्त है करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब ये हम एक टिपिकल, अच्छा चले, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स से ग्राम की चिप है 1K/8, ठीक है, और अगर हमने इसको फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं?
what are the total number of flip flops in this? क्यों भाई बाकी लोग भी बताएं साथ के अलावा how many flip flops will be there? आप तो सर हिला रहे हैं इस तरह के ओ हो 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 ये आप बड़े जोर शोर से सर हिला रहे थे चार कितने चार चार फ्लिप फ्लॉप्स होंगे इसके अंदर सर 8000 कितने 8000 इसके अंदर होंगे 8000 फ्लिप फ्लॉप्स ठीक है अच्छा आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारी 1K/8 की थी ना चिप्स ये चार चिप्स हमने कंबाइन कर ली 1K/8 और हमने इन चारों को कंबाइन किया इनकी आउटपुट लाइंस पैरेलल में हैं यानी ये सारी एक ही बस के ऊपर जुड़ी हुई हैं तो आउटपुट डेटा स्टिल विल बी 8 bits और आगे हमने क्या किया कि हमने अपनी एड्रेस लाइंस जो थी अब ये मेमोरी बन गई है 4K की ठीक है ना 4 KB की है 4 KB के लिए आपको 12 बिट्स चाहिए एड्रेस की ठीक है क्योंकि 2^12 इज एक्चुअली इक्वल टू 4K सो अब हमने क्या किया कि हमने एड्रेस लाइंस जो 10 है ना 0 to 9 ये 10 एड्रेस लाइंस कॉमन हैं इन सब के लिए तो जब मैं ये जो 10 बिट्स भेजता हूँ ये इन चारों पे अप्लाई हो जाती हैं चारों को एक ही एड्रेस आता है लेकिन जो एड्रेस लाइंस हैं 10 और 11 टोटल 12 है 10 और 11 मैं एक डिकोडर में दे रहा हूँ और डिकोडर 2x4 का है और वो इन एड्रेस लाइंस के हिसाब से इनमें से किसी एक चिप को सिलेक्ट करता है सो जब ये 0-0 होती हैं तो ये पहली चिप सिलेक्ट होती है 1-0 पे दूसरी सेकेंड थर्ड फोर्थ सो ऑल्दो ये एड्रेस सेम रहता है तो हम पूरे एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ये पहली 10 बिट्स जो हैं वो हम इन सब पे अप्लाई कर देते हैं और आखिरी 2 बिट्स जो हैं इस डिकोडर के थ्रू एक चिप को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह एक यूनिक एड्रेस जो है वो फिर हमारे पास बन जाता है 4K का सो ये चार चिप्स को मिला के हम लोगों ने बना लिया ये उसी तरह से रीड राइट सिग्नल है ये भी सबका कॉमन है और चिप सिलेक्ट को ये जो पिन थी हमारी इसको हम यूज कर रहे हैं डिकोडर से कनेक्ट करके तो चिप सेलेक्ट डिकोडर जिस चिप को सिलेक्ट करता है सिर्फ उस चिप का जो डेटा है वो आउटपुट पे आ जाता है तो यू कैन सी कि किसी एट एनी गिवन टाइम एक से ज्यादा जो चिप है वो नहीं सिलेक्ट हो सकती सिर्फ एक चिप ही सिलेक्ट होगी एक वक्त में क्योंकि डिकोडर से है तो डिकोडर की दो आउटपुट्स तो कभी भी हाई नहीं हो सकती तो अप्रोप्रिएट चिप सो हम बेसिकली कंप्यूटर्स में क्या करते हैं कि एड्रेस को डिवाइड कर देते हैं एड्रेस का कुछ हिस्सा फॉर एग्जाम्पल आपके दो डिम मॉड्यूल्स हैं तो एड्रेस की एक बिट जो है उन दो में से एक डिम को सेलेक्ट कर लेगी उसके बाद जो अगली बिट्स हैं वो उस डिम के ऊपर अगर 8 ICs लिखी हुई हैं तो 3 बिट्स जो हैं उनमें से एक IC को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जब वो IC सेलेक्ट हो जाएगी तो उस IC के अंदर फिर जो बाकी डेटा होगा बाकी बिट्स हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरह हम एड्रेस को ब्रेक करते हैं टू गेट टू द राइट बाइट ऑफ डेटा इन द मेमोरी ठीक है जी एनी क्वेश्चंस नहीं ये जो होते हैं ना ये जब भी आप देखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है 8 तारों को तो इसको जब यूं करके मैं 8 लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली एक तार नहीं है 8 तारे हैं ठीक है ये भी 8 तारे हैं ओके सो इट्स जस्ट इंडिकेटिंग अ ग्रुप ऑफ वायर्स मतलब स्लैश का मतलब ये नहीं कि हर दफा 8 ही है यहाँ पे स्लैश का मतलब है 10 ठीक है तो वो आप लाइंस यहाँ से पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है लेकिन हम एक स्लैश जब भी डालते हैं तो हम इंडिकेट करते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वायर्स है एक वायर नहीं है तो ये दोनों देखें ग्रुप ऑफ वायर्स हैं और ये सिंगल वायर्स हैं इस पे नहीं है क्योंकि ये एक ही तार है रीड राइट भी एक ही तार है लेकिन ये ग्रुप ऑफ वायर्स हैं ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं जी एनी अदर क्वेश्चन सर हमने एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया वैसे डिवाइड किया क्योंकि एक हिस्सा चिप सिलेक्ट कर रहा है और बाकी हिस्सा उस चिप के अंदर जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर रहा है ओके सर
सो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं काउंटर्स. काउंटर एज द नेम सजेस्ट, काउंटर क्या है, काउंट करता है, ठीक है. सो इट गोज थ्रू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, और जब वो स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाता है. सो इट कैन काउंट टू 10, 12, 15, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है. तो अब हम ये देखेंगे कि हम लोग काउंटर्स किस तरह बना सकते हैं और काउंटर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं. तो पहली चीज जो काउंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि काउंटर दो तरह के आप बना सकते हैं. एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर, और दूसरा होता है एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर, ठीक है. जो रिपल काउंटर्स हैं उसमें ये होता है कि दे अलाउ सम फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ क्लॉक फॉर अदर फ्लिप फ्लॉप्स. सिंक्रोनस काउंटर्स अप्लाई द सेम क्लॉक टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स. क्या मतलब हुआ कि जो दो तरह के काउंटर्स हम सीखेंगे, एक काउंटर में ये होगा कि एक क्लॉक सिग्नल होगा और वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई हो जाएगा इकट्ठे, ठीक है. सारे फ्लिप फ्लॉप्स उस क्लॉक के हिसाब से ही चल रहे होंगे, ये सिंक्रोनस काउंटर होगा. जो एसिंक्रोनस काउंटर है उसमें कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्लॉक देंगे और कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को हम एक और फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट देंगे और जो उसके क्लॉक इनपुट पे जा रही होगी, यानी उसकी क्लॉक जो है वो एक्चुअली क्लॉक नहीं होगी बल्कि वो किसी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी और उससे हम काउंटर जो है वो बनाएंगे, ठीक है. तो इसको हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या फर्क है. सो वी स्टार्ट ऑफ विद रिपल काउंटर्स या एसिंक्रोनस काउंटर्स. सो लेट्स लुक एट एन एसिंक्रोनस काउंटर, टू बिट रिपल बाइनरी काउंटर. सो ये टू बिट काउंटर बनाया है हम लोगों ने. टू बिट काउंटर क्या करेगा कि टू बिट करेगा, it will go like this 00 01 10 11 and then back to 00. so ye char tak count karega aur ye phir zero ho jayega. to char tak count karne ke liye do flip flops hame chahiye the. so if you look at flip flop 0, isko jo clock signal hai wo directly yahan se humne diya hua hai, theek hai. j aur k ko humne tie kiya hua hai to an input jisko hum high keh rahe hain. यहाँ पे भी जे और के टाए हुए हैं इसी एक इसके साथ. तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों जे के को मैं टाई कर दूं, एक ही इनपुट दूं, यानी या उसको मैं 1-1 दूं या 0-0 दूं, तो जे के का क्या बिहेवियर होता है, 1-1 पे जे के क्या करता है. So undefined. यार आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, निकालें जरा अपने नोट्स, जेके फ्लिप फ्लॉप को दोबारा करें. जेके फ्लिप फ्लॉप देखें 1-1 के ऊपर क्या देता है, 0-0 के ऊपर क्या करता है. आप जो ऑनलाइन है वो भी जरा निकालें अपने नोट्स, पुरानी स्लाइड्स निकालें. हाँ, बाकियों को भी पढ़ने दो जरा. हाँ बताएं जी सर. टॉगल आ रहा है, टॉगल करता है 1-1, और 0-0 पे क्या करता है. इनवैलिड होता है पढ़ा है कुछ सर. नो चेंज देख ना, बगैर देखी क्यों बोल रहे हो.
हाँ जी, किसी ने पढ़ा क्या करता है? ठीक है, 0-0 पे नो चेंज, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करता है। हाँ जी, मिला आपको? क्या करता है? नो चेंज। आर एस फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, उसमें 0-0 इलीगल स्टेट होती है, हर फ्लिप फ्लॉप में नहीं होती है। सो इसको अनिवार्यते ना लगाए, हर फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। जे के और तरह, टी और तरह, डी और तरह, आर एस और तरह, आर एस नैंड में और तरह, नॉर में और तरह। नैंड गेट में और तरह होगा, नॉर गेट के साथ बनेंगे तो और तरह होगा। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर। ये नहीं है कि बस आर एस मुझे याद है तो बस मुझे सब कुछ याद है, हर फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल डिफरेंट है। एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि हर फ्लिप फ्लॉप किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा। सो हमने इसको टाई किया हुआ है दोनों को, तो दैट मीन्स के जब तक हम इसको हाई रखेंगे हर क्लॉक पल्स के ऊपर ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल करेगा। ठीक है, सो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने क्लॉक से कनेक्ट किया, और जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसको ये जो क्यू बार इसकी आउटपुट है ये इसकी क्लॉक के अंदर कनेक्ट हो गया, इसको डायरेक्ट क्लॉक नहीं जा रही। अच्छा, सो अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम देखूँ पूरे इसका, तो सो दिस इज माई क्लॉक, ये तो 1-0, 1-0, 1-0 ये चल रही है किसी भी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, कोई भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वट एवर इट इज। अच्छा, अब मैं अगर क्यू बार नॉट को देखूं, क्यू नॉट बार को, तो वो क्या करेगा? वो हर राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पे टॉगल होगा। सो फॉर एग्जांपल इफ इट वाज 1 तो जैसे ही राइजिंग एज आएगी ये 0 पे चला जाएगा, फिर ये 0 पे ही रहेगा टिल द नेक्स्ट राइजिंग एज कम्स। नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर ये फिर 1 पे चला जाएगा, फिर ये 1 के ऊपर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आएगी तो ये 0 पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आएगी तो ये 1 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ Q0 विल बिहेव। अब आप एक चीज नोट करें कि Q0 भी एक स्क्वायर वेव ही बना रहा है जिस तरह क्लॉक बना रही थी, लेकिन Q0 की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो गई है क्लॉक की। सो क्लॉक की अगर एफ थी तो Q0 इज नाउ एफ बाई 2, इट हैज नाउ डिवाइडेड इट बाई 2। फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया? डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। इधर किसी को क्लियर नहीं? आप लोगों को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्लॉक जो है वो ये जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ये कब इसकी आउटपुट चेंज होती है? राइजिंग एज के ऊपर। तो ये मैंने बताया कि ये राइजिंग एज के ऊपर ये चेंज हो रहा है, तो राइजिंग एज के ऊपर जब ये चेंज होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। अगर इसकी दो ट्रांजिशंस हैं तो इसकी सिर्फ एक ट्रांजिशन है यहाँ पे, सो इट इज नाउ वर्किंग एट हाफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ ये जो है मेरा Q0, नाउ दिस हैज बिकम द क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो जो ये Q0 है ये तो इसी की आउटपुट है, तो ये तो सिर्फ इसके ऑपोजिट है, तो ये अगर नीचे है तो ये ऊपर है एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं Q1 को देखूं तो Q1 अब चेंज होगा एट एवरी राइजिंग एज ऑफ Q0। ठीक है ना? सो अगर मैं Q1 को देखूं तो अगर ये लो था तो अब Q0 की जब राइजिंग एज आएगी तो ये हाई हो जाएगा, और ये हाई रहेगा टिल Q0 की अगली राइजिंग एज आती है, उसके ऊपर ये लो हो जाएगा और फिर ये लो ही रहेगा। तो क्या हुआ? Q1 की फ्रीक्वेंसी अब Q0 से भी हाफ हो गई है, सो नाउ दिस इज एक्चुअली F/4 क्लॉक के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? अगर मैं खाली इन दो आउटपुट्स को देखूं, Q0 यानी इस आउटपुट को और इस आउटपुट को, इनको मैं आउटपुट पे ले आऊं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं टाइमिंग डायग्राम से देखूं, इनिशियली दे आर 0-0, देन इट इज 1-0, देन 0-1, देन 1-1, एंड देन 0-0 अगेन। सो नाउ इट हैज बिकम अ काउंटर जो कि 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 पे हो रहा है, और फिर उसके बाद 1-1 के बाद वो रिपीट होता है, गोज बैक टू 0-0। ठीक है, सो ये मैंने एक काउंटर बना लिया दो फ्लिप फ्लॉप्स को इस्तेमाल करके। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो क्लॉक डिटरमिन करेगी,
क्लॉक जो है वो आप तेज कर देंगे तो ये जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाएगा, क्लॉक को आप स्लो कर देंगे तो ये स्लोली चलेगा, एक सेकंड में भी ये काउंट कर सकता है, 1000 के सेकंड में भी कर सकता है, जो कि 1 घंटे बाद भी कर सकता है, एंड सो ऑन. सो दिस इज योर 2-bit ट्रिपल बाइनरी काउंटर. क्लियर टू एवरीवन? यस जेके फ्लिप फ्लॉप अभी हम एसिंक्रोनस पढ़ रहे हैं, जब हम सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टेट डायग्राम ही बनाएंगे, वो उसी तरह ही बनेगा, लेकिन ये अभी एसिंक्रोनस है सारे. हाँ, उसमें अगर आप ये रिपल कैरी काउंटर बना लेते तो बच जाता, लेकिन उस वक्त तक आपने ये पढ़ा नहीं था. दूसरी बात ये है कि अच्छा सो नहीं, आई टेक माय आंसर बैक, गलत है. काउंटर के अंदर कोई यूजर इनपुट नहीं है, काउंटर तो चली जा रहा है ना, इसमें कोई यूजर इनपुट से तो ये नहीं चेंज हो रहा. ये तो जब तक आप जब तक इसको हाई रखेंगे ये चेंज होता रहेगा रिगार्डलेस. उसमें हमने यूजर इनपुट के हिसाब से उसको चेंज करना था, तो देयर इज नो काउंटर के अंदर कोई यूजर इनपुट नहीं है, तो इसलिए आप नहीं बना सकते थे. जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर. अच्छा, चलें हम लोग फर्दर इसको समझने के लिए 3-bit रिपल बाइनरी काउंटर करते हैं. तो 3-bit जो है वो 3 फ्लिप फ्लॉप से बनेगा, एंड इट विल हैव 8 स्टेट्स, 000 से 111 तक, वो 8 तक गिनती गिनेगा और फिर 8 के बाद वो फिर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो असूल इसका बिल्कुल वही है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप था उसको हमने क्लॉक दी है, जो अगला फ्लिप फ्लॉप है उसको यहाँ से Q0 हमने कनेक्ट किया है, जो उससे अगला फ्लिप फ्लॉप है उसको Q1 पे कनेक्ट कर दिया क्लॉक के साथ. सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक है और बाकियों के ऊपर जो जो आउटपुट्स हैं वो हम लोग ले रहे हैं. आउटपुट्स हम यहाँ से लेंगे, Q0, Q1 और Q2, ये मिलके हमारी आउटपुट बनेंगे. बाकी असूल बिल्कुल वही है, ये हमारी क्लॉक पल्स है. ठीक है, इस पे ये जो एरोज हैं ये उसने बनाए हैं आपको राइजिंग एज दिखाने के लिए कि जो भी चेंज होगा इस जेके पे वो इन राइजिंग एजेस के ऊपर होगा. तो अगर मैं पहला अपना Q0 को देखूं, फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट Q0, सो Q0 अगर इनिशियली 0 था तो जैसे ही राइजिंग एज आएगी ये टॉगल होगा, क्योंकि ये वाला हाई मैंने 1 किया हुआ है, तो जेके को जब आप 1 कर दें तो वो टॉगल होता है. सो ये दिस विल गो टू 1, उसके बाद ये 1 ही रहेगा टिल क्लॉक की नेक्स्ट राइजिंग एज आती है, उसमें ये फिर टॉगल होगा 0 बन जाएगा टिल नेक्स्ट क्लॉक एज और ये फिर 1 बन जाएगा. तो दिस इज Q0 और Q0 एज यू कैन सी कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है क्लॉक की निस्बत. ठीक है, उसके बाद Q0 जो है वो यानी Q bar बेसिकली वो इसकी क्लॉक इनपुट बन रहा है. तो अगर मैं Q1 को बनाऊंगा तो Q1 जो है वो इसकी जो फॉलिंग एज है उसके ऊपर, यानी ये क्योंकि उसने वो Q0 नहीं दिखाया हुआ यहाँ पे, तो लेकिन वैसे हम देख सकते हैं कि ये पहले हाफ द फ्रीक्वेंसी, अगर ये 0 है तो ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, फिर इस एज के ऊपर ये वापस 0 हो जाएगा, फिर इस एज के ऊपर ये वापस 1 हो जाएगा, इसकी एज पे नहीं यानी Q bar की एज के ऊपर. बहरहाल वो दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो ये इस तरह हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अब इससे हाफ हो गई है. और फिर मैं अगर Q2 को ड्रॉ करूंगा जो यहाँ से आ रहा है, तो वो 4 साइकिल्स के लिए 0 रहेगा, 4 साइकिल्स के लिए 1 होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, सो इसका 1 साइकिल, इसके 2 साइकिल्स में ये 4 और ये 8 साइकिल्स. अच्छा, अब अगर मैं खाली इनको देखूं आउटपुट को, तो ये आप देखें दिस इज 000, देन दिस इज 100, 010, 110, 001, एंड सो ऑन टिल आई गेट 111 एंड देन 000. तो ये मेरे इसने काउंट किया है 0 से लेके 8 तक और फिर ये वापस हो गया. तो इस तरह आप कोई भी काउंटर बना सकते हैं जहां तक भी आपने काउंटिंग करनी है, 8 तक, 10 तक, 100 तक, 200 तक,
यू जस्ट कीप एडिंग फ्लिप फ्लॉप्स और वो चार फ्लिप फ्लॉप्स ले लेंगे तो आपके 16 तक काउंट हो जाएगा, पांच लेंगे तो 32 तक काउंट होगा, ठीक है। इस काउंटर की एक मिसाल ये है कि कोई भी आपकी जो घड़ी होती है जो बिजली से चले सेल्स सॉरी आइए साथ साथ एक मिनट स्टूडेंट्स वेट करना, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का नाम आपने सुना होगा, घड़ियों पे भी लिखा होता है क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स क्रिस्टल या क्वार्ट्स, वो क्वार्ट्स एक क्रिस्टल होता है छोटा सा, इट्स स्टोन, सेमी प्रेशर स्टोन है, और इस पे जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्वार्ट्स क्रिस्टल। और हम लोग जो अपनी क्लॉक्स बनाते हैं वो बेसिकली इस क्वार्ट्स क्रिस्टल से ही बनाते हैं, जो क्लॉक कंप्यूटर में होती है, जो क्लॉक वैसे भी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो वाइब्रेट कर रहा होता है ना तो एक काउंटर हम लगा देते हैं, मतलब ये जो घड़ी है ये किसान बनी हुई है, इसके अंदर एक काउंटर लगा हुआ है। अब जो क्वार्ट्स है वो एक फिक्स्ड उसकी फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो वाइब्रेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी है 32,000 हर्ट्ज, यानी कि वो 32,000 दफा वाइब्रेट करता है एक सेकेंड में। तो हम एक काउंटर लगा के ना उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही 32,000 पल्सेस आती हैं हम पता लग जाता है कि एक सेकंड गुजर गया है, तो वो घड़ी जो है वो एक सेकंड आगे चली जाती है, फिर हम 32,000 दफा काउंट करते हैं तो वो घड़ी फिर एक सेकंड और चली जाती है, फिर उस सेकंड के बाद हम एक और काउंटर लगाते हैं जो 60 तक काउंट करता है, जब वो 60 सेकंड्स काउंट कर लेता है तो वो एक मिनट आगे चला जाता है, ठीक है। फिर मिनट के ऊपर हम एक और काउंटर लगाते हैं जो 60 मिनट्स काउंट करता है, 60 दफा काउंट करता है, तो वो फिर एक घंटा उसको आगे कर देता है। तो इस तरह से ये घड़ी जो है ये बनी हुई होती है, तो इसके अंदर एक्चुअली 5-6 काउंटर्स ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डेज भी आगे जा रहे होते हैं वो भी 24 आवर्स जब कंप्लीट होते हैं तो वो एक डे आगे कर देता है, फिर वो काउंट करना शुरू करता है, 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं तो फिर एक डे और, एंड सो ऑन। तो ये काउंटर्स मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे आप काउंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सर ये काउंटर मिलते हैं मार्केट से? हाँ, काउंटर की आईसी आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, जिसमें बने बनाए काउंटर्स होते हैं और आप उसमें उसकी पिन से सेट कर सकते हैं कि उसने कितना काउंट करना है। तो हाँ बिल्कुल बड़े आराम से काउंटर्स मिल जाते हैं, स्पेशली ये जो क्वार्ट्स के काउंटर्स होते हैं जिन्हें 32,000 तक काउंट करना होता है घड़ी के लिए, ये तो बहुत कॉमन है। तो उसमें बस आप क्वार्ट्स का क्रिस्टल लगाते हैं और वो काउंटिंग शुरू करके तो आपको हर एक सेकेंड के बाद एक पल्स दे देता है जब उसका 32,000 का अंदर काउंट कम्प्लीट होता है, ठीक है। तो सो क्वार्ट्स क्रिस्टल है जिससे कि हम घड़ी बनाते हैं और काफ़ी एक्यूरेट होती है। उसके बाद एटॉमिक क्लॉक्स हैं, पता नहीं आपने नाम कभी सुना है एटॉमिक क्लॉक्स का, जहां आपको इंतहाई ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, मतलब क्वार्ट्स में भी थोड़ा बहुत टाइम कुछ सालों के बाद कुछ महीनों के बाद ऊपर नीचे हो जाता है, जहां पे आपको चाहिए होता है कि कई हज़ार साल में एक सेकंड का भी घड़ी के अंदर फर्क ना पड़े, तो आप एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं। वो एटॉमिक क्लॉक्स साइंटिस्ट यूज करते हैं, उसके अंदर सीजियम एटम होता है, उस एटम की एक फिक्स्ड वाइब्रेशन होती है, वो कई मिलियन साइकल्स पे वाइब्रेट कर रहा होता है पर सेकंड, और उसको आप काउंट करते हैं और उसमें वेरिएशन क्वार्ट्स से भी बहुत कम होती है। तो जहां पे एक नैनो सेकंड का भी आप नहीं अफोर्ड करते ना कि स्टैंडर्ड टाइम है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, वहां पे एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती है। ये जो ग्रीनिच मीन टाइम होता है या जो मेन जहाँ से आपको पूरे टाइम की इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहाँ पे एक एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती है, उसमें एक सेकंड का भी फर्क कई हजार सालों में नहीं पड़ता, वो इतनी एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स को भी जब आपने करना होता है, ये जो आपके GPS सिस्टम है इसके अंदर भी अगर एक नैनो सेकंड का भी फर्क पड़ जाए ना तो आपका जो 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 एक्यूरेसी होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे भी एटॉमिक क्लॉक होती है उस सैटेलाइट के अंदर, तो वो एक सेकंड का भी उसके अंदर फर्क नहीं डालती है, सही है। सो एनीवे दिस इज हाउ वी डू दिस। अच्छा ये वही चीज है, फिर अगेन उसने एक और एग्जांपल दिया है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लॉक के ऊपर बबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एज के बजाय क्लॉक की जो फॉलिंग एज है
उसके ऊपर ये चेंज होता है, तो ये सारे के सारे फॉलिंग एजेस के ऊपर होते हैं। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉलिंग पे होता है या राइजिंग पे होता है, बात यह है कि ये काउंट उसी तरह करते हैं, 0 से ये 16 तक काउंट करते हैं, 1 से लेकर 16 तक चार के, और उसके बाद ये रिपीट करेगा। अच्छा नाउ सो यू कैन ऑल्सो मेक काउंटर्स जो कि अप काउंट करते हो, यानी कि 0 से स्टार्ट होके लेट्स से 16 तक जाते हो और फिर 16 से वापस 0 पे आए। तो अगर कोई काउंटर इस तरह चल रहा है कि वो 1 2 3 4 5 6 की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं अप काउंटर। और अगर कोई काउंटर उल्टा स्टार्ट होता है कि वो 16 से स्टार्ट होता है, 16 15 12 1 0 तक जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन काउंटर। ठीक है, तो अप काउंटर और डाउन काउंटर बनाने का यानी बेसिक फर्क कुछ भी नहीं है। अगर आप क्यू से आउटपुट लेके सी में लेके जाएंगे तो ये आपका अप काउंटर बनेगा, और अगर आप क्यू बार से आउटपुट लेके सी में देंगे तो ये आपका डाउन काउंटर बन जाएगा। बस दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, सो यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ काउंटर, अप काउंटर या डाउन काउंटर। ठीक है, क्लियर है ये? नो इश्यूज। सो एनीवेज ये तो उसने फिर वही दिखाया हुआ है उसको। चलिए ये भी हो गया, ये वो दिखा रहे हैं कि इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि काउंटर्स को मिला के आप फिर बड़े काउंटर्स भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर्स। अगर आप लोग 5 मिनट की ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लें, पर 5 मिनट के बाद हम शुरू कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल ब्रेक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी 5-7 मिनट की ब्रेक ले लें, देन वी विल स्टार्ट अगेन। इसको यार कोई ना छेड़े, मैं भी 5 मिनट में आता हूँ।
क्लास के बाद अटेंडेंस हाँ क्लास के बाद हाँ ओके स्टार्ट करते हैं बाकी लोग फिर अब जब आएंगे। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंक्रोनस या पैरेलल काउंटर्स। सो सिंक्रोनस जैसा हमने शुरू में बात की थी कि सिंक्रोनस काउंटर्स कौन से हैं, द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड एट द सेम टाइम बाय अ कॉमन क्लॉक पल्स। सो इसके अंदर क्लॉक को हम अलहदा नहीं करते बल्कि हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो उसको एक क्लॉक दे देते हैं। इसको इन काउंटर्स को हम लोग किस तरह बनाते हैं, हम बिल्कुल वही जो सीक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन प्रोसेस था जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया उसके थ्रू। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टू बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर बनाना चाहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप या जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ,
तो हम क्या डिजाइन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, सिंपल जो हमने पहले स्टेट डायग्राम बनाई थी. तो इसकी स्टेट्स क्या होंगी इस काउंटर की, 00 01 10 और 11. नोटिस इट हैज नो आउटपुट नो इनपुट. ठीक है, इसमें कोई यूजर इनपुट या आउटपुट नहीं है, बस ये इसकी स्टेट्स हैं और यही हमारी आउटपुट्स भी हैं, जो इसकी स्टेट है वही आउटपुट है. तो इसका जब हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा कि ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है A1 A0, ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है. और अब हम देखेंगे कि अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप है टी टाइप फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी इनपुट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए. सो इफ योर प्रेजेंट स्टेट इज 00 एंड योर नेक्स्ट स्टेट इज 01 ऑब्वियसली, तो आपके फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या होनी चाहिए, इसकी 0 और इसकी 1. ठीक है, क्योंकि 1 पे फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करता है. तो यहाँ पे 0 था और ये भी 0 ही रहा नेक्स्ट स्टेट में, तो इसका मतलब है टी की इनपुट 0 होनी चाहिए. और ये वाला जो था ये 0 था और ये 1 हो गया इसके ऊपर, तो इसका मतलब है टी की इनपुट जो है वो 1 हो जानी चाहिए. तो ये हमने बना लिया. उसके बाद वही बात है कि फिर नेक्स्ट स्टेट, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 01 है तो नेक्स्ट स्टेट 10 होगी, अगर प्रेजेंट स्टेट 10 है तो नेक्स्ट स्टेट 11 होगी, और प्रेजेंट स्टेट अगर 11 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 00 होगी. ठीक है, सो ये आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया, उससे आपको टी ए के भी पता लग गया है कि क्या इनपुट्स होने चाहिए, और टी ए 1 के और टी ए 0 के. सो टी ए 0 तो आप देखें कंटिन्यूसली 1 है, तो इसको तो हम 1 से टाइप कर देंगे, और टी ए 01 है यहाँ पे इस इनपुट के लिए और यहाँ पे 1 है इस इनपुट के लिए. तो इसका हम फिर वही बना सकते हैं कि टी ए 0 जो है ये तो चूंकि कंटिन्यूसली 1 है तो टी ए 0 जो इनपुट है उसको तो हमने 1 दे दिया. जे के को जब हम टाई कर देते हैं तो ये एक्चुअली टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ये टॉगल करता है 1 के ऊपर. तो जे सो टी ए 01 था और टी ए 1 जो है, टी ए 1 को हमने देखा कि ये 1 होता है 01 पे और ये 1 होता है 11 के ऊपर. तो इसका आप वो बना सकते हैं, कार्नोफ मैप भी बना सकते हैं, या वैसे आप इसको अगर सिंप्लीफाई, थैंक यू, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो है दिस इज इक्वल टू ए नॉट, यानी कि ए नॉट जो है वो जब भी 1 होता है रिगार्डलेस, ए नॉट जब भी 1 होता है टी ए 1 हो जाता है. ये यहाँ पे 1 था, ये 1 हुआ, ये 1 था, ये 1 हो गया, इधर ये 0 था, इधर ये 1 था, इधर ये 0 था. So, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जब भी ये 1 हो रहा है तो ये 1 हो रहा है. तो टी ए 1 की इक्वेशन मैं बना सकता हूँ इज इक्वल टू ए नॉट. ओके, सो नाउ आई कैन जस्ट कनेक्ट इट, टी ए 0 तो 1 था, टी ए 1 जो है वो ए नॉट के बराबर है, ए नॉट जो है वो ये वाला आउटपुट है, तो ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको क्लॉक लगा दी और ये अब आपके पास ये जो दो आउटपुट्स आ रहे हैं ये खुद ही जैसे जैसे आप क्लॉक पल्स आएगी इस पे 00 01 10 11 आता जाएगा. ठीक है जी, आसान है काउंटर बनाना. अच्छा, ओके, सो चले एज एन एक्सरसाइज अब आप लोग ये करें कि आप एक 3-bit सिंक्रोनस काउंटर बनाएं. तो मैं इसको ऑलराइट, सो मेक अ 3-bit सिंक्रोनस काउंटर, लाइट ऑन कर दें और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से 2-bit बनाया गया है टी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए जरा इसको बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो थोड़ी सी. Your God is striking your deed has been seen at complicated decision home smartphone application confirmed since ठीक है जी, आप लोगों ने 3-bit
पैरेलल काउंटर बनाना है, उसकी एक प्रेजेंट स्टेट है, एक नेक्स्ट स्टेट है और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं। थ्री बिट है, इसका मतलब है तीन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। बाकी मैं इस स्लाइड को भी आपके सामने नहीं कर रहा क्योंकि ये सोल्यूशन है, अभी आप खाली इसको देखें और खुद करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप भी ये करें ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट हम लोग कहना में जो दे रहे होते हैं वो कैसे एनिंगेट लेते हैं? 0-0 से शुरू करते हैं हम लोग हमेशा? टी की तो देखें सिर्फ एक इनपुट होती है, टी के तो दो टर्मिनल्स ही नहीं होते, टी का सिर्फ एक टर्मिनल होता है, तो उस पे या 1 देते हैं या 0 देते हैं। जब आप 1 देते हैं तो वो टॉगल कर देता है आउटपुट, और जब आप 0 देते हैं तो वो प्रीवियस स्टेट को रिटेन करता है। Okay, और कब वो टॉगल करता है? जब क्लॉक की पल्स आती है। जब आप टी को 1 कर देंगे तो वो वेट करेगा क्लॉक की राइजिंग एज का, जैसे ही क्लॉक की राइजिंग एज आएगी वो आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, और फिर अगली जब राइजिंग एज आएगी तो वो फिर इन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप उसके इनपुट को 1 पे टाई करके रखें तो उसकी जो आउटपुट है वो 1-0 1-0 1-0 होती रहेगी, LED लगा दें तो वो ऑन ऑफ होती रहेगी हर क्लॉक पल्स के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ओके सर, जब 1 रखें तो फिर 1-0 1-0 होती रहेगी, लेकिन 1 पे चेंज होती है ना, 0 पे तो चेंज ही नहीं होती सर? नहीं, वो आउटपुट टॉगल करता है। टॉगल करने का मतलब ये है कि मैं जब उसकी टी के जो टी इनपुट है उस पे जब 1 को उसको मुस्तकिल 1 दे दूंगा ना, तो आउटपुट 1 होगी, फिर टॉगल होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 0 टॉगल होगा और 1 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। चलिए सर, यार ऑन कैंपस भी वैक्सीनेशन हो रही है, आप लोगों ने करवाई है? किसी ने तो नहीं करवा रहे? अजीब बात है, अब कल भी है और मंडे को भी है वैक्सीनेशन, कैंपस पे है, आप जाके आराम से लगवा सकते हैं, करवा सकते। सेकेंड डोज भी लगेगी जाहिर है, ये तो हाँ। यूनिवर्सिटी, मुझे तो बात ही समझ नहीं आती, पहले कह रहे थे कि जी जो मास्क इसलिए नहीं पहनना, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवानी कि मैं मरी ना जाऊं, तो अब मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में नहीं है, लगवा लें वैक्सीन। वैसे क्यों नहीं लगवा रहे, क्या आपको डर लग रहा है वैक्सीन से? सर कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है मर जाएंगे, कोई कहता है कुछ हो जाएगा। आप सबको डर पड़ गया कि जी हम 2 साल में मर ही जाएंगे। यार देखें वैक्सीन आम आदमी के लिए अब आई है, ठीक है, वैक्सीन डेवलप 1 साल पहले हो गई थी, उस वक्त ट्रायल के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन लगवाई थी देखने के लिए कि वो चलती काम करती है नहीं करती। उन वॉलंटियर्स को तो लगवाए हुए अब 1.5-1.5 साल हो गया, क्योंकि वैक्सीन तो बन गई थी फौरन ही, सिर्फ ये कि वो उसको देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे लोगों के ऊपर और वेट कर रहे थे लगाने के बाद कि कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं या नहीं आते। जब 1 साल तक उन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आया उसके बाद उन्होंने पब्लिक के लिए उसको ओपन किया, तो कई हजार लोग ऐसे हैं जिनको अब वैक्सीन लगे हुए 1.5-1.5 साल हो गया, वो तो नहीं मरे अभी तक। छह महीने वेट कर रहे हैं, चले ठीक है, आप 6 महीने और वेट कर लें।
पहले तो लगवा दी थी मुझे तो, अब सेकंड डोज को भी एक महीना हो गया, फिर मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा लिया, मेरी एंटीबॉडीज भी बन गई हैं, इसलिए मुझे अब ना मैं किसी को कोरोना करवा सकता हूँ ना मुझे हो सकता है किसी से। एंटीबॉडी का भी एक सिंपल IgG टेस्ट होता है, वो आप सेकेंड डोज के 2-3 हफ्ते के बाद आप करवाएं तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी एंटीबॉडीज बन गई या नहीं बनी। तो आप सुकून है, मुझे मैं मुझे कोई डर नहीं होता कि भाई मुझे हो जाएगा क्लास में या वैसे जिस तरह से लोगों से मिलते वक्त, और कोई साइड इफेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ना कोई बुखार हुआ ना कोई दर्द हुई कुछ नहीं। तो नहीं यार, जब उन्होंने देखो कई हजार लोगों पे टेस्ट कर लिया ना, पहले ये होता था कि इतनी अर्जेंसी नहीं थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे पूरी दुनिया का काम ही रुक जाए, ऐसा तो कभी नहीं। नहीं, WHO ने अप्रूव किया, साइनोफार्म तो WHO ने भी अप्रूव कर दिया, साइनोवैक नहीं है और वो जो दूसरी है वो नहीं है, लेकिन जो साइनोफार्म थी वो तो अप्रूव्ड है, और जो दूसरी अब तो खैर फाइजर की भी आ जाएगी फर्दर, वो भी अप्रूव्ड है। और अब देखिए ना, अमेरिका में तो उन्होंने तकरीबन अपनी 60% पॉपुलेशन ऑलरेडी कर दी हुई है, मतलब 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी है वैक्सीन, तो वहाँ पर भी तो जिंदा है सब। नहीं, ये अटेंडेंस वाला अब नहीं करेगा कुछ। पता नहीं यार, वो ले लेते हैं, दूसरी क्लास के पास भी है और पुराने स्टूडेंट्स के पास भी होता है, जिसको नंबर चाहिए होता है वो ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। दो सर, मेरी अटेंडेंस फ्री डिफॉल्टर की वजह से 18 एब्सेंट है सर। मैंने एडवाइजर से बात की थी, उसने कहा था कि मुझे मेल और आपको सीसी करते हैं जिसमें फ्री डिफॉल्ट उसकी डेट लिख दूँ, तो सर मैं मेल आप कमेंट पास करके एडवाइजर को ओके कर लें। ये फ्री डिफॉल्टर्स ने क्या मुसीबत डाली हुई है यार, अब मुझे क्या पता कि ये 18 घंटे फ्री डिफॉल्टर की वजह से एब्सेंट था और वैसे ही क्लास ले रहा था जब उसकी अटेंडेंस ही नहीं है मेरे पास, या मैं टीम से हैं पता नहीं। 0992A ये आपके सेक्शन का नहीं है, नहीं वो कुछ
पूरे दो आपके सेक्शंस में 100 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट मेरे पास पूरे सेमेस्टर में आया है, ये विकास, विकास की ना साथ साथ कोई चीज समझने के लिए इस पूरे सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट में एक ये साथ है जो मेरे पास एक दफा आया ऑफिस में कोई चीज समझने के लिए कि जी मैंने ये काम करना है, ये मसला है, मुझे ये समझा दें। बाकी कोई स्टूडेंट आज तक नहीं आया और सारे स्टूडेंट्स जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो तो मेरी अटेंडेंस लगाते हैं बस। इसके अलावा कोई स्टूडेंट आज तक मेरे पास किसी मसले के लिए नहीं आया, अटेंडेंस लगाते हैं। जो बंदा आता है मैं उसे पूछता अटेंडेंस कहाँ आती है, अटेंडेंस का मसला है बस, दैट्स इट। इसका क्या फायदा है यार? इसलिए वो कहते हैं अटेंडेंस ही रह गया मसला, बस वो इनसे हल करवा दें। अभी भी मत करेगा। हाँ, इसका क्या नाम है यार, इसका इसको एक्स्ट्रा नंबर दे दूं मैं। हाँ नहीं यार, नंबर आपके आपकी हरकतों पे ही आएंगे, किसी मस्के का कोई फायदा नहीं। हाँ जी, आप एंड में जो बैठे हुए हैं सर पकड़ के, आपको क्या हुआ है? आप सर पकड़ के बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं या आप कोई डिप्रेशन में है? डिप्रेशन में नहीं है, खुश है, कर रहे हैं? तू नहीं कर रहे, आप क्लास में नहीं है, हैं? चले इसको यार एक कागज दे, बेचारे को पेंसिल भी दे दें इसको। चलें इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं बंद कर दूँ, इसकी रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है। बस खत्म हो गया है कोर्स ये, मैं आपको वैसे मैंने आपको ये दिया है।